हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, जो 1 मार्च 2019 को जो एडिटोरियल पेज था उसमें कितने सारा डिफ़िकल्ट वर्ड था, वो डिफ़िकल्ट वर्ड को आपको एनालाइज करके एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक देखिए। आपको ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का चांसेस है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वन। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज प्रोलीफेरेट। ये जो वर्ब वर्ड है, इसका मीनिंग है हिंदी में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करना, और जनरल इंग्लिश मीनिंग है ब्रीड। सिनोनिम्स और समानार्थ शब्द है वर्जियन और एस्केलेट। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है लेसन और डिक्रीज। ये वर्ड अगर सेंटेंस में यूटिलाइज करेंगे तो कैसे उसका एग्जाम्पल होगा। द आइडियाज फॉर हिज स्टोरी वुड सीज टू प्रोलीफेरेट। नेक्स्ट कम बैक टू द सेकेंड नंबर वोकैबुलरी, दैट इज इंटीमिडेशन, विच इज ए नाउन वर्ड, और इसका जनरल इंग्लिश है बुलीफाइंग और हिंदी मीनिंग है डांट। सिनोनिम्स और समानार्थ शब्द है कुर्सियन और प्रेशर। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है इजी आइडिलनेस। When this word is used in sentence, the bully used information to get the other kids to do what he wanted. Number 3 number are oppress. ये बाहर वर्ड है, इसका हिंदी में है दबाना और जनरल इंग्लिश में है subdue। सिनोनिम्स और समानार्थ शब्द है torment और trample। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है encourage और aid। When this word is used in sentence, what is the example? The tyrant general oppressed his people. The number 4th number word is canny, which is adjective word. इसका हिंदी मीनिंग है चालाक और इंग्लिश मीनिंग है क्लेवर। सिनोनिम्स और समानार्थ शब्द है डेक्सटोरस और adroit। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है foolish और idiotic। When this word is used in sentence, Chintan is a canny person. Number 5th word, that is scourges, which is a noun word. इसका हिंदी मीनिंग है अभिशाप, जनरल इंग्लिश है कर्स। सिनोनिम्स और समानार्थ शब्द है कर्स और बेने। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है रिवार बेनिफिट। एग्जाम्पल है ही वुड ऑलवेज लुक बैक ऑन हिज विंटर and remember the scourge of blizzards and ice storms. 6th number word is cryptic, which is an adjective word. इसका general English meaning है secret, हिंदी meaning है अप्रकट। synonyms और समानार्थ शब्द है arcane, esoteric। antonyms और विलोम शब्द है definite और obvious। When this word is used in sentence, the example is When Sachin spoke, his words were cryptic to all those in the room. Next, come back to 7th number word, that is uptight, which is an adjective word. Hindi meaning है तनावग्रस्त और nervous. Synonyms और समानार्थ शब्द है nervy, edgy. Antonyms है unworried, composed. Example in sentence है your uptight behavior can get you rejected in an interview. Next come back to the 8th number word, that is drip, which is a verb word. इसका meaning है टपकना या टपकाना और ड्रफ। synonyms और समानार्थ शब्द है dribble और diesel। antonyms और विलोम शब्द है collect और pour. When this word is used in sentence, the example is everyone must ensure that water does not drip away uselessly. Next come to the 9th number word, that is pervade, which is a verb word or spread through or phailana. Synonyms or samanarth word shabd hai infuse or permeate. Antonyms or vilum shabd hai block or hinder. Example hai the poison must be blocked before it pervades
rhythmers, vitals, organs. Next, come to back to the 10th number word, that is kudos, which is a noun word. इसका हिंदी में लिखा प्रशंसा करना और प्रीच. सिनोनिम्स और समानार्थ शब्द है अप्लाउज और एमिनेंस. एंटोनिम्स और विलोम शब्द है कॉन्डेमेंशन और डिनाउंसिएशन. एग्जाम्पल है मीनाक्षी वाज लुकिंग फॉर कुडोज रादर देन प्रॉफिट. द 11th नंबर वर्ड इज डिस्चार्ज और भार. इसका मीनिंग है उगला और भूमिट. सिनोनिम्स और डिस्चार्ज regurgitate, antonyms as suck or consume. When this word is used in sentence, example is Nidhi was discharging whatever he was, she was eating.